आज मैं आपके साथ इसी क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें मेल्टेड बटर डाला है। एक बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं। बारीक कटी हुई लाल और हरी शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़े से मैंने इस पर अमेरिकन कॉर्न ऐड किए हैं। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है और इनको हम सौते कर लेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर, हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। सभी सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए इनको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। और सब्जियों पे कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया है, और सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। सेम पैन का यूज़ किया है इसमें। मैं यहाँ पर इस तरीके के टोस्ट यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं इस पर गार्लिक बटर अप्लाई करूँगी। ये इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसके साथ ब्रेड लोफ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आज मैं इसके साथ इसको ट्राई करूँगी। ये यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इनको कुछ देर के लिए इस पैन पे हम थोड़ा सा बटर अप्लाई किया है, और इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे। इनको हल्का सा क्रंची कर लेंगे। तो इनके ऊपर मैंने गार्लिक बटर अप्लाई किया है। तो टोस्ट पर एक साइड हल्का कलर आ चुका है, तो इनको मैंने दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सेम पैन का यूज़ किया है इसमें। 1 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। तो दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। इसका हमें मैदा का कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। हल्का सा मैदा को भूनने के बाद 1 मिनट के लिए इसमें 1 कप हमने दूध ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप इसमें दूध ऐड किया है, और ये दूध एक बार पहले से ही बॉयल है। दूध और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक बारी में आपको सारा दूध नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे तो मैदा में लम्स नहीं बनेंगे। फ्लेम को इस टाइम बिल्कुल लो रखेंगे, और इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। ऑरिगेनो इसमें ऐड किया है। 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड किया, 1/2 छोटी चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच ही मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। कुकी हुई वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर देंगे, और सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम कुछ देर के लिए पका लेंगे, और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है कटा हुआ, ये टोटली ऑप्शनल है। और यकीन मानिए गाइस, ये घर पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। आप इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी और चीज़ी बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप मार्केट से ना लाते हुए इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इस वाइट सॉस में आप बॉईल करके पास्ता भी ऐड कर सकते हैं, मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज मैं इसी तरीके से इसको टोस्ट के साथ सर्व करूँगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आई होप आज की ये टेस्टी सी रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक